नमस्कार किशन भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। किशन भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 28 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कैसे क्या रहे प्याज के बाजार, कितनी गाड़ियों की आवक है और किशन भाइयों प्याज के भाव में आज कितने रुपए की तेजी है, कम्प्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। किसान भाइयों, आज भी दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज के भाव में बहुत ही करारी तगड़ी उछाल देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आज किसान भाइयों जानेंगे कि आज दिल्ली आजादपुर मंडी में कितनी गाड़ियों की फ्रेश अराइवल है। किसान भाइयों, फ्रेश अराइवल की बात करें तो आज मंडी में लगभग 40 से 45 गाड़ियों की फ्रेश अराइवल है। अगर प्याज की भाव की बात करें किसान भाइयों, तो आज प्याज के भाव आसमान की तरफ है। किसान भाइयों, अब आम आदमी के लिए खाना प्याज बहुत ही महंगा पड़ रहा है। इस समय दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान भाइयों प्याज का भाव 43 रुपए से लेकर 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इस समय दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज के भाव हैं। अगर हम नए प्याज की बात करें तो एक दो गाड़ियां नए प्याज की दिल्ली आजादपुर मंडी में पहुंच रहे हैं, वो भी कर्नाटक की। तो नए प्याज भी जो है इस समय दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान भाइयों 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज के भाव हैं। किसान भाइयों, ये थे प्याज के भाव अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया।